हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के कैटेनरी पोर्शन के डिस्कस। इससे पहले मैंने बाकी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में उनको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है, एक समान जंजीर के सिरों पर कड़ियां एक स्थिर वृक्ष 36 पर फिसलती है, यदि घर्षण कोण लैम्डा हो तो सिद्ध कीजिए। घर्षण कोण अगर हमें लैम्डा दिया गया है तो मैक्सिमम स्पैन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द चेन, मतलब उच्चतम विस्तृति बट्टे इस जंजीर की लंबाई का अनुपात लॉग कोट लैम्डा बाय टू डिवाइडेड बाय कोट लैम्डा है। हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है। तो अगर हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है, इसको अगर हम लिखे चले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ से क्या दिया, इस सब क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिखे चले। ये हमारा एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर हम यहाँ से एकदम वाई एक्सिस ले रहे हैं, हमारी कैटेनरी हम यहाँ से लिखे चलते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से हमारी कैटेनरी कुछ इस तरीके से। इसका लोवेस्ट पॉइंट हम यहाँ से ये सी लेके चल रहे हैं, ये पॉइंट हम यहाँ से ए लेके चल रहे हैं। अब बिंदु ए पर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा लेंगे। बिंदु ए पर अगर हम यहाँ से स्पर्श रेखा लेते हैं तो हमारी स्पर्श रेखा यहाँ से कुछ इस प्रकार आएगी। यहाँ से इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये बिंदु ए पर स्पर्श करके कुछ इस प्रकार यहाँ से निकल रही है। जो आधार के साथ कोण यहाँ से एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु है, ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष के साथ हम मान के चल रहे हैं ये कोण हमारे पास यहाँ से बनाती है साई। तो अब अगर हम यहाँ से, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन ऐसा ही किया है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को मिला दे तो यह कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से ये बिंदु बी है हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम इसका तल का यहाँ से प्रतिरोध देखें, यहाँ से प्रतिक्रिया बल देखें, तो प्रतिक्रिया अभिलंब की दिशा में आर यहाँ लगेगा और ये हमारे पास स्पर्शरेखा हम आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो यहाँ से ये जो कोण आ रहा है, ये कोण हमारे पास यहाँ से घर्षण कोण आएगा, घर्षण कोण हम मान के चलते हैं लैम्डा आ रहा है। अगर ये कोण लैम्डा है, ये पूरा प्रतिरोध यहाँ से आर इसके लंबवत है इस तल के, तो यहाँ से ये पूरा 90 डिग्री का आएगा। ये कोण हम यहाँ से लैम्डा मान के चल रहे हैं इतना कोण, तो ये साई बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस लैम्डा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर घर्षण बल की हम चर्चा करें तो म्यू आर बराबर हमारे पास म्यू इक्वल्स टू घर्षण गुणांक होता है, जो कि बराबर आएगा 10 लैम्डा की, ये हम यहाँ से जानते हैं। अब अगर यहाँ से जंजीर की लंबाई हम एल मान के चलेंगे तो ये बाकी लंबाई है, यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे, सी बिंदु न्यूनतम बिंदु जो L/2 L/2 में से विभाजित करता है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास S इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से S इक्वल टू हम जानते हैं सी टेन साई के इक्वल हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है। तो अगर अब हम इसमें मान रखेंगे S इक्वल टू एस की वैल्यू L/2 आएगी, सी को एज इट इज रहने देते हैं, टेन साई का मान 90 माइनस लैम्डा आ रहा है, 10 90 माइनस लैम्डा हमारे पास कोट लैम्डा आ जाएगा। इसे अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो एल इक्वल टू 2 सी कोट लैम्डा, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से जानते हैं एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, सी लॉग 10 साई प्लस आता है हमारे पास यहाँ से सेक साई, साई का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास विस्तृति कंप्लीट विस्तृति यहाँ से कितनी आएगी, 2x, 2x के बराबर आएगी, तो विस्तृति 2x बराबर 2c log 10 साई प्लस सेक साई आ गया, साई का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 2c log 10 90 माइनस लैम्डा आ जाएगा और प्लस में आएगा हमारे पास यहाँ से sec 90 माइनस लैम्डा आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से। इसको अगर सॉल्व करें तो 2c ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से cot लैम्डा, प्लस में आएगा cosec लैम्डा, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10 90 माइनस थीटा, तो हम cot थीटा लिखेंगे और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा लिखेंगे। इसे अगर हम यहाँ से आगे सॉल्व करें तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, लॉग भी तो साथ में आ रहा है, लॉग और आ जाएगा यहाँ से 2c log, ये आएगा कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, बट्टे में आएगा हमारे पास साइन थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा को 1/sin θ लिखेंगे, इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 2c log, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + cos λ आ गया डिवाइडेड बाई sin λ आ जाएगा। इसे अगर हम आगे यहाँ से सॉल्व कर ले तो 1 + cos θ बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos²θ/2 आएगा, अर्थात λ/2 डिवाइडेड बाई साइन लेमडा को हम लिख सकते हैं 2 sin λ/2 cos λ/2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दे, cos λ/2 से cos λ/2 कैंसिल आउट हो गया, cos/sin cot आ जाएगा, तो 2c यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log cot λ/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से ये तो हमारे पास विस्तृति आई है, मैक्स विस्तृति, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्स स्पैन डिवाइडेड बाय हमें फाइंड आउट क्या करना था, जंजीर की लंबाई। तो जंजीर की लंबाई बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आई है, जंजीर की लंबाई, तो जंजीर की लंबाई हमारे पास यहाँ से आई क्या है ये, तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारे पास स्पैन आया है और जंजीर की लंबाई एल इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट किया था 2c cot λ आएगा। तो अगर यहाँ से ये मैक्स स्पैन है हमारे पास, साथ ही हमारे पास लंबाई, दोनों का अनुपात देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2c log
कोट लेमडा बाई टू डिवाइडेड बाई आ रहा है टू सी कोट लेमडा, तो यहां से टू सी से टू सी कैंसल आउट हो जाएगा, कोट लेम लॉग कोट लेमडा बाई टू डिवाइडेड बाई कोट लेमडा, हमें यहाँ से यही तो प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।